नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में 12:30 पर शुरू हुई। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में हड़ताली जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की मांगों को लेकर कमेटी के गठन का फैसला हो सकता है और इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के अलावा कई फैसले होने की भी संभावना है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हुई और उस बैठक में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी गठित करने को मंजूरी भी मिल सकती है। वहीं प्रदेश के करीब 4700 जिला परिषद कर्मचारी बीते 2 सप्ताह से हड़ताल पर हैं और ये कर्मचारी पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं और इससे पहले पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ इन कर्मचारियों की वार्ता विफल हो गई थी और इनकी मांगों को लेकर सब कमेटी गठित करने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में हाल ही में घोषित आपदा पैकेज के तहत मिलने वाली राहत राशि पर भी मोहर लगेगी। वहीं इसी की तरह विभिन्न विभागों की तरफ से आने वाले प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है और वहीं ये बैठक अभी भी जारी है और देर शाम तक चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में कोटखाई के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की और इस प्रतिनिधिमंडल ने कोटखाई हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार आम जनता के हित में कार्यों के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसे ऐतिहासिक कदम उठा रही है जिससे कि आम लोगों को फायदा हो रहा है। वहीं रोहित ठाकुर ने जीटी के 90 पदों भरे जाने को लेकर भी जारी हुए नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द इन पदों पर भर्ती होगी और साथ ही 2521 रिक्त पदों पर भी बैच वाइज भर्ती की जाएगी। और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल को इस तरह से बयान की देने की बजाय केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए सहायता लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से एक परिवर्तन लाए और ये भी कोई मैं समझता हूँ अतिशोक्ति नहीं हो, क्योंकि वर्तमान में हजारों की संख्या में आपके पद रिक्त है और 455 तो हमारे को जब हम सत्ता में आए थे ऐसे स्कूल्स मिले जो विदाउट टीचर थे। आज जो सरकार द्वारा पहल की जा रही है, मुझे ये बताते प्रसन्नता होती है कि ये संख्या आज 455 से घटकर 100 से कम रह चुकी है और जहां आपने टीजीटी की बात की, टीजीटी की भी लगभग कोई 900 पद की कल नोटिफिकेशन हो चुकी है जिसके माध्यम से हमारे ये पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा भी इन टोटल 2521 हमारी पोस्टें बैच वाइज आपकी भरी जाएगी जिसमें 900 के आसपास हमारी टीजीटी के पद है। इसके अलावा सीएनडीबी, आपके जेबीटी और इसके अलावा जो 3000 के आसपास पद हमारे भरे जाने हैं वो चयन आयोग जो नया गठित हुआ है उसके माध्यम से इन पदों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरा जाएगा। शिमला में जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में विलय की मांग सहित कई अन्य मांगों को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज ठप हो गया है और इसी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में कर्मचारी आंदोलन की राह पर है। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों के हड़ताल से ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विकास के काम ठप हो गए हैं और सरकार का कर्मचारियों के प्रति ऐसे व्यवहार के कारण अव्यवस्था का माहौल बन गया है। वहीं आपको बताते चले कि जिला परिषद के करीब 4700 कर्मचारियों के हड़ताल के कारण विकास के सभी काम रुक गए हैं। तो आपको बताते चले कि बीजेपी के सरकार पर हमला बोला गया है
माफ कीजिए बीजेपी के द्वारा कांग्रेस सरकार पर हमला बोला गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बीजेपी की ओर से यह बयान दिया गया है कि 10 महीने की सरकार बन चुकी है और उसके बावजूद आज सरकार के विकास कार्य किसी भी विभाग में जो है वो सफलता से काम नहीं कर रहे हैं। आज केवल और केवल पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के लगभग 4,700 कर्मचारी पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनके प्रति, उनकी मांगों के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपना रही है वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि आपदा जिस प्रकार से इस प्रदेश में आई, और हम सब जानते हैं कि आपदा के बाद हुए नुकसान का जिस विभाग और जिस प्रकार से आकलन और उसकी रिपोर्ट जो प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को जानी है, उसमें अहम भूमिका जिला परिषद कैडर के इन कर्मचारियों की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्थानीय निधि लेखा समिति ने राज्य लेखा परीक्षा विभाग के मंडी जिले के विभिन्न विभागों और संस्थानों से संबंधित ऑडिट पैरों की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं आपको बताते चले कि समिति के सभापति विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की अध्यक्षता में आयोजित उस बैठक में समिति ने विभागों और संस्थानों से ऑडिट पैरों का विस्तार से ब्यौरा लिया और उन्होंने अधिकारियों को तेजी से उपयुक्त कदम उठाकर लंबित पैरों का शीघ्र निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए और सभी सदस्यों ने ऑडिट पैरों पर विभागों से सवाल जवाब और ब्यौरा लेने के साथ साथ विकास कार्यों की गति को देने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। आज विधानसभा की तरफ से लेखा समिति की जो यहाँ बैठक थी, आज हमारा दूसरा दिन का प्रवास मंडी जिला के अंदर था और बहुत ही स्वादपूर्ण तरीके से यहाँ बैठक हुई है। तो सभी मदों पर क्रमवार चर्चा हुई, जिसमें यहाँ पर हमारे सरकार पटेल यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम होना चाहिए, हमारे जो पंचायती राज विभाग है, सेरिकल्चर है, इंडस्ट्रियल विभाग है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, सभी विभागों की जो है यहाँ पर इसमें तीन साढ़े तीन घंटे की जो बैठक हुई, उसमें सभी मतों के ऊपर चर्चा की गई और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जो भी उनकी पेंडेंसी है उसको समय पे निपटाएं। कुल्लू शहर के अलावा सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में अपने 10 महीने के कार्यकाल में कई विकास कार्यों को अंजाम दिया है और जिससे कि आम जनता को काफी फायदा पहुंच रहा है और ऐसे में अब 16 अक्टूबर को भूतनाथ पुल पर भी वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और इसके अलावा 1000 वाहनों की पार्किंग का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीपीएस सुंदर ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा उनका विशाल नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। वहीं ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि खोरी रोपा में जो पार्किंग 1000 वाहनों के लिए तैयार की गई है, उससे आने वाले समय में नगर परिषद को भी आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी और साथ ही लोगों को पार्किंग की बेहतर सुविधा भी मिल पाएगी। सोलह तारीख एक बहुत बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है। आज उस दिन मैं माननीय सीपीएस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी बड़ी सौगात एक पार्किंग के तौर पर नगर परिषद को जो 12 बीघे जमीन उन्हें हमारे नाम पर करके दी है और यहाँ पर आने वाले समय में होता इसमें पीपी मोड में जो है एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स भी बनेगा और इसमें नगर परिषद को भी काफी आमदनी होगी। तो इसके साथ ही दूसरा जो है अपना भूतनाथ पुल है जो कि काफी अरसे से लटका पड़ा था, जिसमें कि खराल शहर और मणिकर्ण साइड, अपर वैली साइड सब जो कट ऑफ हो गए थे, हमारी जो कई गाड़ियां नहीं चलती थी, चलो इस बार जो अभी जो है शुरुआत जो है छोटी गाड़ियों से होगी। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद अब शासन प्रशासन आगामी समय से सही तरीके से भवन निर्माण पर कार्य कर रहा है और इसी कड़ी में आज सोलन में आपदा रिस्क
रिडक्शन पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया और जिसमें जिले के विभाग अध्यक्षों सहित संबंधित कार्य से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और उन्हें भविष्य में नवीनतम तकनीक से भवन बनाने सहित आपदा से नुकसान और रोकथाम के बारे में संबंधित विशेषज्ञों ने जागरूक भी किया। और इसको लेकर अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव ने बताया कि भविष्य में उचित तरीके से और नवीनतम तकनीक से भवन निर्माण हो, इस बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को और अभियंताओं को कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा से हुए नुकसान को कम करना ही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। आज जो हमारा दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर, जिसमें जिला के सभी कार्यालयों से उनके ऑफिसर्स आए हुए हैं और इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। इससे पहले एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को लेकर, जिसमें जो भी हमारे टेक्निकल स्टाफ थे, जेई थे, एसडीओ थे, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित थे, उनको बुलाया गया था। साथ ही साथ हर एक सब डिवीजन में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को आपदा के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आपदा के प्रति सतर्क बनाना। हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई हो गई है, लेकिन इसी के साथ प्रदेश में सर्दियों की आहट भी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बरसात भी देखने को मिली, तो वहीं प्रदेश के 3 जिलों में हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है और इसी के चलते अब राज्य के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आने वाले कुछ दिन मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 14 से 17 अक्टूबर के बीच एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और जिसके चलते मौसम खराब होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा सुरेंद्र पोल ने यह भी बताया कि मौजूदा समय में प्रदेश में तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, पश्चिम विक्षोभ की वजह से पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है और प्रदेश के 3 जगह पे लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला में यहाँ पे हल्की बर्फबारी भी हुई है। शिमला में चांसल में हल्का स्नोफॉल की रिपोर्ट्स हैं और इसके बाद अगले 2 से 3 दिन कोई विशेष मौसम खराब नहीं रहेगा, लेकिन फिर से एक पश्चिम विक्षोभ जो है 14 तारीख के आसपास जो है अप्रोच कर रहा है, तो 14 के बाद फिर 14, 15, 16 और 17 के बीच में फिर से प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और पहाड़ी इलाकों में जो लोअर मिड हिल्स के जिले हैं वहां पे हल्की बारिश की संभावना है। अब खबर नालागढ़ से है, जहां पुलिस और वन विभाग ने मलहेड़ी स्कूल के पास अवैध रूप से काटे खेर से भरे एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस चौकी जोगो के तहत आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी चालक की पहचान नरेश कुमार पुत्र दाताराम निवासी खोबला नंद रामशहर और गोपाल सिंह पुत्र सरवन कुमार निवासी खोबला नंद रामनहर शहर के उससे हुई है। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार पुलिस और वन विभाग ने मलहेड़ी के पास संयुक्त नाकाबंदी की थी और इस दौरान एक पिकअप गाड़ी को रूटीन चेकिंग पर भी रोका गया था, जिसकी तलाशी लेने पर 69 खेर के मोछे बरामद किए गए और गाड़ी चालक के पास किसी तरह का परमिट नहीं पाया गया और जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक और परिचालक को पकड़ा गया और गाड़ी को हिरासत में लिया। जो आज रात की जो है टीम पुलिस चौकी जोगो की ने संयुक्त नाकाबंदी जो है फॉरेस्ट टीम के साथ की थी और इसमें जो चौकी इंचार्ज है स्वयं मौजूद थे, तो उस समय जो है उनके पास एक गाड़ी जो है HP 12Q 5802 जो है वो उनकी तरफ आ रही थी, तो उसको जब गाड़ी को उन्होंने रोक के जब चेक किया तो उसमें जो है 79 जो है खैर के जो है मोछे जो है खैर की लकड़ी जो है वो पाई गई है और इस संदर्भ में जो है 2 व्यक्ति जो रामशहर के निवासी हैं उनको जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई उसके रिलेशन में कोई भी कागजात लाइसेंस पेश नहीं कर पाए, तो इस संदर्भ में जो FIR है वो IPC में 379 और जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है इसमें 4142 के अंतर्गत जो है FIR दर्ज कर दी गई है और आगे जो ये कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।